दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग के YouTube वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है तो ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई महत्वपूर्ण पार्ट छूट जाए। दोस्तों आप YouTube पे वीडियो डालते हैं और उस वीडियो पे व्यू बहुत कम आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप वीडियो डालते रहिए और मैं आपको एक दो तरीका बताऊंगा, उस तरीका को आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे वीडियो पे व्यू आने लगेगा। और दोस्तों जब तक चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आपको वीडियो डालते रहना है और डेली डालना है। डेली एक वीडियो कम से कम डाल ही दीजिए, और एक दिन में नहीं हो रहा है तो दो दिन में एक वीडियो डाल दीजिए। तो दोस्तों आप लोग YouTube पे वीडियो डाल के और ये मत सोचिए कि इस पे व्यू अपने आप आएगा, आपको भी उस पे व्यू लाना है। और कैसे लाना है आपको, आप अपने से ला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने YouTube वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर कीजिए। आप WhatsApp में दो चार ग्रुप बना के रखिए या फिर किसी और के ग्रुप में जुड़ जाइए, उस ग्रुप में अपने YouTube वीडियो का लिंक भेजिए। आप Facebook ग्रुप में जुड़ जाइए, Facebook ग्रुप में आप जितने ग्रुप में जुड़े हैं उसमें अपने वीडियो का लिंक भेजिए। ऐसे ही जितना आपके आपके पास ग्रुप हो उस ग्रुप में अपने वीडियो का लिंक भेजिए। अगर उससे भी व्यू नहीं आ रहा है तो आप गूगल एड में एक अकाउंट बना लीजिए, उसमें कम पैसा खर्च करके आप अपने वीडियो पे व्यू ला सकते हैं। और उससे जो सब्सक्राइब करने वाले बंदे आएंगे वो आपका वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो लोग अपने से आएंगे आपके वीडियो पे, आपको वीडियो देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो गूगल एड से जो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे वो परमानेंट रहेंगे और वो आपके सारे वीडियो को देखेंगे। तो गूगल एड का आप अकाउंट बना लीजिए, उसमें अपना अकाउंट बना के और उसमें वीडियो डालते रहिए। और दोस्तों एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम है स्नेकर पैनल। आप उसमें भी अपने वीडियो डाल के और उस पर व्यू मंगा सकते हैं या फिर अपने चैनल पे सब्सक्राइबर मंगा सकते हैं। दोस्तों स्नेकर पैनल पे मैं एक वीडियो बना लिया हूँ और बना के अपने चैनल पे डाल भी दिया हूँ। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि स्नेकर पैनल कितना फास्ट काम करता है और उसको उसका यूज कैसे करना है आपको सारा वीडियो में मैं बताया हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, स्नेकर पैनल का वीडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो के लिंक, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्नेकर पैनल का। वहाँ से जाके आईडी बना लीजिएगा और अपने वीडियो को प्रमोट कीजिएगा और प्रमोट करके और अपने चैनल को ग्रो कीजिएगा। दोस्तों शुरू में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आज के समय में एक एक व्यू के लिए आपको बहुत, आप तो देखते ही होंगे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों आप शुरुआती 1000 व्यू अपने से लगा दीजिए, चाहे जैसे भी आए। एक वीडियो पे सोचिए कि 1000 व्यू हमें अपने से लाना है। आप अगर 1000 व्यू ला देंगे उसके बाद ऑटोमेटिक उस पर व्यू आने लगेगा, क्योंकि उस वीडियो का जो वैल्यू है वो ऑडियंस के नज़र में ज़्यादा हो जाएगा। और ऑडियंस अगर आपके वीडियो पे 10-12 भी होगा तो कोई नहीं आपका वीडियो देखेगा, उस वीडियो का कोई वैल्यू ही नहीं देगा। तो दोस्तों अपने वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू आप अपने से लाइए, और कैसे लाएंगे ये आपको दिमाग लगाना है। बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, उनके भी वीडियो पे व्यू नहीं आता है तो गूगल एड में डाल देते हैं उस वीडियो को, या फिर स्नेकर पैनल के द्वारा उस पर व्यू मंगा देते हैं और व्यू आ जाएगा तो उस वीडियो का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और आपके चैनल का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइबर चाहे जितना भी हो उससे आपके चैनल का ग्रो नहीं होगा। अगर आपके वीडियो पे व्यू आने लगा तो समझिए आपका चैनल ग्रो करने लगा और आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए अब तैयार है। तो दोस्तों यही सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1000 कम से कम अपने से व्यू मंगाइए, और कैसे मंगाएंगे यह सारा तरीका आपको मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।